आप YouTube को बोल करके, खुद आप YouTube को कह करके अपनी वीडियोस को सजेस्टेड में ला सकते हैं और ब्राउज फीचर में ला सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है फिर भी एक ट्रिक ऐसा मेरे पास बचा है अभी तक, और बहुत सारी ऐसी ट्रिक मेरे पास अभी भी पड़ी है जिन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आज के इस वीडियो में तो मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपनी यूट्यूब वीडियोस पर व्यूज ला सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, आप अपनी यूट्यूब वीडियोस पर कैसे व्यूज लाएंगे, क्योंकि ये लॉजिक है, जब आपकी वीडियोस पर व्यूज आएंगे तो आपके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो व्यूज लाने के लिए यहाँ पर दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। वो क्या है गाइस, एक तो है सर्च। आपका वीडियो अगर कोई लोग सर्च करता है और वो सर्च में आ जाता है, तो वहाँ से अगर आपकी थंबनेल अट्रैक्टिव होती है तो वहाँ पर क्लिक करके आपकी वीडियो पर लोग आएंगे, और वहाँ से कंटेंट को देख करके लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है गाइस ब्राउज फीचर और सजेस्टेड में आना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वीडियो को सजेस्टेड में लाएंगे, और इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था बट उसमें मैंने इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था जितना कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपनी वीडियो को सजेस्टेड में लाना है। सजेस्टेड में लाने के बाद अगर उस वीडियो पर कोई क्लिक कर देता है 100% आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और वॉच टाइम तो आपको पता ही है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सजेस्टेड में आखिर हमारा वीडियो आता कैसे है, यानी यूट्यूब के एल्गोरिदम में, यूट्यूब के रैंकिंग में हमारा वीडियो कब फंसता है, और वो वीडियो ऊपर आना कब स्टार्ट होता है, यानी कि कोई फर्स्ट बार अगर आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ से करेगा, किस जरिए करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर YouTube की कोई भी गलती नहीं है, आप YouTube को बोल करके, खुद आप YouTube को कह करके अपनी वीडियोज को सजेस्टेड में ला सकते हैं और ब्राउज फीचर में ला सकते हैं। तो देखिए इस अल्गोरिदम को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि आखिर सजेस्टेड में वीडियो कैसे आते हैं, ब्राउज फीचर में वीडियो कैसे आता है। तो दोस्तों इसका सिंपल मतलब है, मान लो आप कोई वीडियो, किसी बंदे का वीडियो या फिर किसी बड़े क्रिएटर का वीडियो आप रेगुलर देखते हैं, लाइक मैं मनोज भाई का वीडियो रेगुलर देखता हूँ, या फिर टेक्निकल इसरार भाई का, या फिर टेक्निकल योगी सर का, इनका वीडियोज मैं रेगुलर देखता हूँ। देखने के बाद क्या होगा, यूट्यूब को पता चल जाएगा कि इस बंदे को इन वीडियोज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और यूट्यूब या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म वो यही चाहता है कि कोई भी बंदा अगर हमारे वीडियो को देखता है, हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पर रहे, वॉच टाइम दे, और जितना ज़्यादा आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, यानी जितना टाइम आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर बिताएंगे, वो YouTube इतना ही आपके इंटरेस्ट के हिसाब से खुद ब खुद YouTube होम पेज में, यानी कि ब्राउज फीचर में आपके ऐसी वीडियो जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, यानी रोज रेगुलर आप जिस तरह की वीडियो देखते हैं उसी तरह की वीडियोज YouTube आपको रिकमेंड करेगा, खुद ही ब्राउज फीचर में आएगी आपकी वीडियो। ठीक है, तो इसी चीज़ का आपको भी फायदा उठाना है। आपको क्या करना है कि जो भी बड़े यूट्यूबर जो वीडियो देखते हैं वहीं पर दोस्तों आपकी वीडियो जाएगी। तो सबसे पहला तो ये होता है ब्राउज फीचर, जहाँ पर आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली YouTube खुद ही भेज देगा। दूसरा होता है गाइस सजेस्टेड। तो सजेस्टेड में आपका वीडियो कब आता है, लाइक देखिए कोई टॉपिक है जो कि है, किसी भी टॉपिक पर कोई बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बनाया, लाइक जिसको भी आप टारगेट करके रखते हैं उससे रिलेटेड आपने किसी टॉपिक पर वीडियो बनाया, तो उस बंदे का जब भी कोई वीडियो प्ले होगा तो उसके नीचे आपका भी वीडियो जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब का कीवर्ड है। क्योंकि यूट्यूब हमारी तरह कोई यहाँ पर आदमी नहीं है, यूट्यूब एक मशीन है, वो सबका सब कुछ है कीवर्ड पे डिपेंड करता है, यानी उस वीडियो का टाइटल सेम होगा और सेम वही टाइटल अगर आप भी लगा देंगे तो आपका भी वीडियो उस वीडियो के नीचे जाएगा। क्योंकि YouTube का यहाँ पर खुद का कहना यही है कि जिस बंदे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक वो किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो देख रहे हैं और उसके नीचे आपकी वीडियो को YouTube खुद भेज देगा कि यार इस वीडियो में इस बंदे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और वीडियोज भी मैं यहाँ पर भेज देता हूँ। और इसीलिए जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं कि उस वीडियो का टाइटल और अपनी वीडियो का टाइटल सेम रखते हैं, और इसी चीज़ का लोग फायदा उठाते हैं, और आपको भी इसी चीज़ का फायदा उठाना चाहिए कि YouTube खुद जब हमारी वीडियो को सजेस्ट करने के लिए, सजेस्टेड में लाने के लिए तैयार है, तो हम कहीं पर क्यों भटके।
तो इसीलिए जो लोग बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं वो भी आपको यही कहते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो आखिर ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जब भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है, लाइक जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है वो ट्रेंड करता है कोई वीडियो, ठीक है। उस वीडियो का जो भी टाइटल होगा, कुछ ना कुछ तो टाइटल होगा, तो वो ट्रेंड करता रहता है यानी ऊपर आता रहता है। तो उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हैं तो हो सकते हैं कि उस वीडियो के नीचे आपका वीडियो आ जाए, और अगर आपकी थंबनेल अट्रैक्टिव होगी, लोग उस पर क्लिक करेंगे, व्यूज आएंगे, तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक पर आप वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो का टाइटल अगर आप लिखेंगे तो आपका वीडियो भी सजेस्ट कर देगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो वीडियो है, या फिर आप अगर टैग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आपका वीडियो अमित बड़ाना के वीडियो के नीचे नहीं करेगा सजेस्ट, आपका वीडियो उन्हीं के नीचे सजेस्ट करेगा। और जो आपसे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, यानी आपके कैटेगरी में जो बड़ा यूट्यूबर है, या फिर आप उनसे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उसी के नीचे आपका वीडियो सजेस्ट करेगा, ना कि अमित बड़ाना के वीडियो के नीचे आपका वीडियो सजेस्ट करेगा। क्योंकि अमित बड़ाना का कॉमेडी चैनल है और आपका टेक चैनल है या फिर गेमिंग चैनल है, तो उनका उनके वीडियो के नीचे आपका वीडियो कभी भी नहीं जा सकता है। तो अब दोस्तों बक बक बहुत हो गई, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा, यानी सजेस्ट एड में लाने के लिए आपको अपने मोबाइल को उठाना होगा, ठीक है। मोबाइल को उठाने के बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर स्क्रीन देख सकती है, थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। अब दोस्तों यहाँ पर हम आ गए यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है और सर्च करना है यहाँ पर जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया हाउ टू ग्रो यूट्यूब, तो जैसे ही सर्च किया यूट्यूब चैनल यहाँ पर सजेशन में आ गया, हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए सबसे ऊपर जो वीडियो रैंक कर रही है, सबसे ऊपर किसकी वीडियो है, यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, उसके बाद दूसरा वीडियो यहाँ पर मनोज भाई का है, तो चलिए हम इस वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, जो मनोज भाई का वीडियो है उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए मनोज भाई का वीडियो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम एड को स्किप कर देते हैं, उसके बाद इस वीडियो का जो टाइटल रहेगा उसको आपको देखना है, तो देख सकते हैं कि इस वीडियो का टाइटल क्या है, और यही टाइटल आपको अपनी वीडियो के टाइटल में लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि कुछ ऐसी वीडियोज को ही आपको तलाश करनी है, ऐसी वीडियोज को ही आपको ढूंढनी है, लाइक जो वीडियो ज़्यादा पुरानी नहीं हो, यानी एक दो महीने, तीन चार पाँच छः महीने लास्ट है, छः महीने से पुरानी वीडियोज़ को आपको नहीं ढूंढना है, नहीं तो वो SEO में आपका रैंक नहीं करेगा ज़्यादा। नई जो वीडियोज आती है या फिर नई वीडियोज है वो जो टॉप में सर्च करते ही फर्स्ट नंबर पर आ जाती है और उस पर व्यूज भी ठीक ठाक है, उस पर क्लिक करके जो भी उस वीडियो का टाइटल है वो आपको अपनी वीडियो का टाइटल बनाना है। इसमें कोई भी आप यहाँ पर मिसलीड नहीं कर रहे हो, बस वीडियो में भी आपको वही बातें बतानी होगी जो आपने टाइटल पर लिखी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में आप ये बता रहे हैं कि रातों रात अमीर हो जाओ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप नहीं बतानी है आपको जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने मनोज भाई की वीडियो को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अभी देखिए मनोज भाई ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या लिख करके रखा है, योर क्वारीज करके यहाँ पर कुछ टैग्स भी लगा करके रखे है, ठीक है, तो आपको भी ये टैग्स लगानी है, ठीक है गाइज। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये जो टैग्स लगा के रखे है ये टैग आपको लगाने हैं। यहाँ से देखिए हम बैक कर देते हैं, उसके बाद जो हमने दोस्तों ऊपर सर्च किया था हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल वो यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा, और उसमें जितनी भी यहाँ पर वीडियोज आई है ध्यान से देखिए, वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, जितनी भी वीडियोज आई है उनमें से फर्स्ट जो वीडियो है उसका टाइटल और आपकी वीडियो का टाइटल सेम होना चाहिए, यह तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो नीचे कुछ और वीडियो दोस्तों आ रही है, इन वीडियोज का जो टाइटल है उसको आपको अपने टैग्स बनाने हैं, ठीक है गाइज। अब ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई ये आप मुझे बता देना, और इससे आपकी वीडियो 100% सजेस्टेड में जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जितनी भी वीडियोज आपके सामने आ रही है, इन सभी वीडियोज को आपको अपने टाइटल में तो आप सिर्फ और सिर्फ 100 लिख सकती है लेटर, बट टैग्स में आप लिख सकते हैं इन सभी वीडियोज के टाइटल को, आप किसी नोटबुक में कॉपी पर लिख सकती है पेन से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर याद रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इन्हें आपको टैग्स में लिखना है। और डिस्क्रिप्शन में योर क्वारीज करके कॉमा मत लगाइएगा, डिस्क्रिप्शन में योर क्वारीज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि जो फर्स्ट रैंक में सबसे ऊपर आ रही है, यानी कि मनोज भाई की वीडियो आ रही है, ठीक है,
तो उसके ऊपर में अगेन क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है कि वीडियो ओपन होने के बाद शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब भी बता देता हूँ। तो दोबारा अब आपको इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है आपको टैग्स यू एप्लीकेशन में। आने के बाद आपको पेस्ट वाले ऑप्शन गेट टैग फ्रॉम यूआरएल पर क्लिक करके पेस्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस वीडियो के जितने भी टाइटल होंगे टैग्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाएंगे। इस ये जो अभी टैग्स आए इस टैग्स को और साथ ही जो हमने वहाँ से कुछ जो वीडियोज के टाइटल थे उन टाइटल को आपको डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में लगाने हैं। डिस्क्रिप्शन में योर क्वेरीज करके लगाने हैं और जितने भी टाइटल थे उनको टैग्स में लगाने हैं। इससे गाइज यूट्यूब ये समझेगा कि यार इस वीडियो का टाइटल सेम है और उस वीडियो का टाइटल भी सेम है, यानी मनोज भाई की वीडियो का टाइटल सेम है और आपके वीडियो का टाइटल भी सेम है। तो इससे यूट्यूब का जो यूट्यूब वहाँ पर बैठा है वहाँ पर कोई हमारी तरह आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, वो सबका सब कीवर्ड पर है गाइज। वहाँ पर पहले से ही वो सभी कीवर्ड वहाँ पर सेट कर दिए गए हैं कि ये वीडियो जो बंदा किसी वीडियो को देख रहे हो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से और भी नीचे वीडियो दिखाई जाए ताकि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर भी ज़्यादा ट्रैफिक बना रहे और लोगों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें भी मिल जाए। इस तरह से दोस्तों आपको करनी है अपने यूट्यूब वीडियो पर। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए।